जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, नौकरी की एक खबर बड़ी चर्चा में है और यह खबर यह है कि झारखंड के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बेटे मुकेश कुमार की नौकरी लग गई है। नौकरी चतरा सिविल कोर्ट में चपरासी के पद पर लगी है। मंत्री का बेटा चपरासी बनेगा, यह खबर चर्चा में रही। लेकिन जिस दिन यह खबर चर्चा में थी, उस दिन झारखंड के शिक्षा परियोजना में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले 2400 कर्मचारियों और शिक्षकों की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, क्योंकि सरकार ने एक चिट्ठी निकाली, शिक्षा विभाग के सचिव ने एक चिट्ठी निकाली और उस चिट्ठी में ये था कि 1 दिसंबर से इन कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की सेवा समाप्त हो जाएगी। तो 1 दिसंबर से ये कॉन्ट्रैक्ट कर्मी सड़क पर आ गए हैं। पहले से ही दुर्दशा झेल रहे थे, बिल्कुल कम वेतन पर काम कर रहे थे और जो वेतन मिलता था उसका भी अच्छा खासा हिस्सा जो एजेंसी थी कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली वो काट लेती थी, लेकिन अब वो भी खत्म। 2400 कर्मचारी जिनमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बाल बच्चेदार हैं, सड़क पर आ गए हैं। सरकार की अजीब विडंबना है, मंत्री का बेटा चपरासी बन जाता है और जो काम कर रहा है वो सड़क पर आ जाता है। और इन सब के बीच झारखंड स्टेनोग्राफर परीक्षा के अभ्यर्थी ट्विटर पर हैशटैग चलाने वाले हैं, 4 दिसंबर से झारखंड स्टेनो जारी करो नाम का ये महाअभियान शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, श्रम मंत्री के बेटे के चपरासी बनने की खबर पर चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा इन्हीं दो नौकरियों से जुड़ी खबरों पर करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही खबरें अच्छी खबरें नहीं है। राज्य भर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। सरकार लोगों के घर जाकर समस्याएं सुन रही है, उनका समाधान भी कर रही है। लेकिन इस अभियान के बीच ही झारखंड शिक्षा परियोजना के अंतर्गत पिछले 4 साल से काम कर रहे लगभग 2400 शिक्षक और कर्मचारी सड़क पर आ गए हैं। 28 नवंबर को शिक्षा सचिव के आदेश के बाद की सेवा समाप्त कर दी गई है। ये सभी कर्मचारी आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन दूसरी खबर ये है कि सचिवालय स्टेनोग्राफर परीक्षा के अभ्यर्थी कई महीनों से दर दर भटक रहे हैं। पिछले साल यह परीक्षा हुई भी थी, मगर हेमंत सोरेन सरकार की नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द किया, तो यह परीक्षा भी रद्द हो गई। इसके बाद सरकार ने 2016 से पहले की नियोजन नीति को लागू करते हुए नियुक्तियां करने का फैसला किया। इसके बाद विभिन्न परीक्षाओं की अधियाचना सरकार ने जेएसएससी को भेजी। इनमें झारखंड लैब टेक्नीशियन की परीक्षा हो गई, रिजल्ट भी आ गया। झारखंड पीजीटी की परीक्षा हो गई, रिजल्ट आने वाला है। झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर परीक्षा हो गई, झारखंड नगर पालिका सेवा की परीक्षा हो गई, झारखंड जेई भी हो गया, झारखंड सीजीएल इसी महीने होने की तारीख उसकी तय है, झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा कोर्ट केस के कारण लटक गई है। लेकिन झारखंड सचिवालय आशुलिपिक यानी झारखंड स्टेनोग्राफर परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। अभ्यर्थी परेशान हैं, तैयारी करने वाले युवा बेहाल हैं। जेएसएससी गए तो वहां बताया गया कि सरकार ने तो रिक्तियों की अधियाचना ही नहीं भेजी है। तब से वे सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं, मुख्य सचिव से मिलकर गुहार लगाई है, कई बार कार्मिक सचिव से मिलने का प्रयास भी किया है, मगर 3 महीने से कोशिश करने के बाद भी उनकी मुलाकात कार्मिक सचिव से नहीं हो सकी है। हार कर उन्होंने 4 दिसंबर से ट्विटर पर महाअभियान चलाने का फैसला किया है। जेएसएससी सचिवालय स्टेनो जारी करो हैशटैग से अभियान अगले 4 दिसंबर से शुरू होगा। देखना है इस अभियान का सरकार पर कोई असर पड़ता है या नहीं। तो दोस्तों, अब वापस आते हैं शिक्षा विभाग के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों पर, जिनकी सेवा 1 दिसंबर से चली गई है। उनसे ही सुनते हैं उनकी आप बीती, तो आइए ये वीडियो देख लेते हैं। हम लोग जमशेदपुर शिक्षा विभाग से आए हुए हैं जी, और हम लोग के साथ समस्या ये है कि मतलब अचानक झारखंड शिक्षा सचिव के द्वारा एक लेटर आया जिला में, जिसके अंतर्गत उसमें लिखा हुआ था कि मतलब शिक्षा विभाग के जितने भी कर्मी हैं 30 तारीख के बाद से ऑफिस नहीं है, आउटसोर्स के पद पे हम लोग बहाल हैं। तो बीआरपी है, ब्लॉक एमआईएस है,
ऑपरेटर है, इनसे बीपीएम है और ब्लॉक डाटा एंट्री ऑपरेटर है। तो 30 नवंबर से आप लोगों की सेवा समाप्त कर दी। सेवा समाप्त कर दिया। क्या कारण है? टेंडर मतलब खत्म हो गया, जीएमपी अच्छा। का टेंडर खत्म हो गया, लेकिन ऐसी कोई चिट्ठी नहीं थी जिसको के कारण बोला गया कि मतलब आप कल से नहीं आए। तो पूरे राज्य में कितने आप लोग हैं? पूरे राज्य में करीब हम लोग 2400 कर्मी हैं शिक्षा विभाग में। एक तरफ झारखंड सरकार बोल रही है कि लोगों को रोजगार दे, दूसरे तरफ जिसके पास रोजगार उसको बेरोजगार करते हुए जा रही है, जिसके कारण से हम लोग के बच्चे सड़क पे आ जाएंगे पढ़ाई। कितने साल से हैं आप लोग? करीब हम लोग 4 साल से लगातार काम करते आ रहे हैं। और सब आप लोग झारखंड बेस्ड हैं? झारखंड सब झारखंड के रहने वाले। जी सर, तो अभी आप लोग का क्या डिमांड है सरकार से? हम लोग का डिमांड ये है कि हम लोग का जो जेपीसी के द्वारा भी आ गया था कि आप लोग अभी 10 दिनों तक यथावत जैसे पूर्व की भांति काम करते आ रहे हैं, उसी तरह काम करते रहे, जेएमडी के द्वारा कहा गया था। और ये पूर्व में ये भी था कि जितने भी कार्यरत है सभी का समायोजन जेपी में होगा। अच्छा, जो झारखंड शिक्षा परियोजना। जी, शिक्षा परियोजना के अंदर वेतन कितना मिलता है आप लोगों? वेतन हम लोग सर 13,975, इसमें काट कूट के इन हैंड 11,122 रुपये मिलता है। मतलब 4 साल की सेवा में आप लोगों का एक बार बढ़ा नहीं है? कोई बढ़ोतरी नहीं हुई सर, लगातार बोला गया था कि बढ़ेगा हर साल इसका मतलब वृद्धि होगी, लेकिन किसी भी प्रकार की वृद्धि हम लोगों के बीच में नहीं है। इवन हम लोग के जो मॉनिटरिंग करने के लिए जो भत्ता मिलता है, मोबाइल रिचार्ज मिलता है, गाड़ी जाने के लिए 1200 रुपये का मिलता है, वो भी नहीं मिला। इसके पूर्व की कंपनी TNM हम लोग को दिया करती थी, लेकिन जब से GMD आई हम लोग को मोबाइल रिचार्ज भी ख़त्म कर दिया और जो 1200 रुपये अनुश्रवण होता था वो भी हम लोग को ख़त्म कर दिया गया। तो GMD जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वो है जी। तो जो आप लोग का तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना कि आप लोगों को क्या क्या मिलेगा? हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता है। तो उस पैसे में से भी कटौती होती है क्या आप लोग? जी, उस पैसे में भी कटौती है। सरकार के द्वारा 16,500 मिलता है, 17,500 जो BEd है, MA BEd है, जो BA BEd है उसको, मतलब जो BEd टेक्निकल प्रशिक्षण नहीं है उसको 16,500, जो ट्रेंड है उसके 17,500 की बातें कही गई थी, लेकिन ये सुविधा के लाभ कभी नहीं मिला। तो कितना मिलता है इन हैंड, कितना कट जाता है? 11,122 रुपया मिलता है। मतलब करीब 4,500 रुपया कट जाता है? हाँ, करीब 4,500 रुपया काट लेता है सर। तो डिमांड आपका है कि आप लोगों को एक तो वापस रखा जाए, दूसरा शिक्षा विभाग में समायोजन किया जाए। जी, समायोजन किया जाए, और जो हमारे पैलर में जो BRP CRP है उनको जब 17,500 मिलता है, 16,500 मिलता है, क्यों नहीं उनके पैलर जब काम हम करते हैं तो हमको भी उसी के पैलर पैसा मिलना चाहिए। एक काम समान काम करते हैं और दोनों में डिफ्रेंसेज है सर। आउटसोर्स की कंपनियाँ के अलग पैसा मिलती है और जो JPC के कार्यालय के अंतर्गत इम्प्लाई है उसके लिए अलग पैसा मिलता है। अच्छा, तो आप लोगों ने पिछले 4 साल में समायोजन के को लेकर या पैसे को लेकर कभी कोई सरकार से पत्राचार वगैरह किया है कुछ? जी, पत्राचार किया गया था आज से कितने दिन पहले, 2-3 बार किया गया। तो क्या जवाब आया? उसी में किसी प्रकार के सरकार के कान नहीं पटपटाते हैं, उनके कान के तले जो भी नहीं रहे। तो स्टेटस अभी है कि आप अभी आप लोग फिर बेरोजगार हो चुके हैं सरकार के नजर में? पूरे झारखंड में 2400 आप लोग जो है सड़क पर आ गए, ब्लॉक MIS डाटा एंट्री BPM सभी को काउंट करके 2400 पूरे झारखंड में हैं। आज इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि आज जनता दरबार जगह जगह पर CM जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे जनता दरबार में ऐलान करके आते हैं कि हमें सभी को रोजगार देना है, लेकिन जो जो रोजगार में है उनको अब बेरोजगार करने की बातें कर रहे हैं। इस प्रकार के असंतुष्ट शब्दों से सर हम लोगों का हिल गया है सर कि हम लोग किस प्रकार के काम करें। दोस्तों, 4 साल से ये 2400 कर्मचारी कम वेतन पर काम कर रहे थे, शोषण और तंगी झेलकर काम कर रहे थे, लेकिन आज से ये दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। जहां इन्होंने 4 साल काम किया वहां के दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए गए हैं। जिन्होंने साथ काम किया था उन्होंने भी आंखें फेर ली है। अचानक नौकरी से बैठा दिए गए सभी कर्मचारी झारखंड के हैं, बाहर से नहीं आए हैं। इनकी मांग है कि
कि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति दी जाए, विभाग में समायोजित किया जाए, विभाग में इनके जैसे दूसरे लोगों को जितनी सैलरी मिलती है उतनी सैलरी दी जाए, लेकिन इसके बदले उनकी नौकरी ही छीन ली गई। झारखंडी हक हकूक की बात करने वाली आबुआ सरकार में इन 2400 कर्मचारियों के घर का अब चूल्हा कैसे जलेगा और इनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा कैसे होगी, बीमारी में इलाज कैसे होगा, क्या इसकी चिंता करने वाला कोई है? दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।